बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार। मिस ढिंचा की ये खबर है कुछ ज्यादा ही धमाकेदार। चिकनी चमेली को सलमान से नहीं है प्यार, इसीलिए कैटरीना को अब नहीं चाहिए दबंग खान की कार। सबसे पहले देखिए कैटरीना की इस ब्लैक ऑडी को जिसका नंबर है 8822। वेल, कैटरीना को ये कार किसी और ने नहीं बल्कि कभी उनके सबसे अजीज दोस्त दबंग खान ने गिफ्ट की थी। हालांकि सलमान ने कैटरीना को ये कार उस वक्त गिफ्ट की थी जिस दौरान दोनों के बीच नहीं आई थी इतनी दूरियां। हम आपको बता दें कि ये वही कार है जिस पर सवार होकर कैटरीना इन दिनों रणबीर कपूर से अक्सर मिलने जाती हैं। ये देखिए, पिछले दिनों इसी कार में बैठकर कैटरीना कैफ रणबीर के साथ फिल्म लुटेरा देखने पहुंची थी। सिर्फ यही नहीं, कुछ महीने पहले खबर आई थी कि इसी ऑडी 8822 में ही बैठकर कैटरीना रात के अंधेरे में रणबीर से मिलने उनके घर पहुंची थी। लेकिन अब मिस ढिंचा को मिली है ऐसी खबर जिसे सुनकर दबंग खान को भी आ जाएगा चक्कर। जी हाँ, मिस ढिंचा को पता चला है कि सलमान को छोड़ रणबीर की बाहों में गई कैटरीना अब अपने आप से दबंग खान के तोहफे को भी करना चाहती है दूर। अकॉर्डिंग टू मिस ढिंचा, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मिस कैफ ने सलमान की गिफ्टेड ब्लैक ऑडी को बेचने का बना लिया है प्लान। सिर्फ यही नहीं, कैटरीना जिसको ये कार बेचने वाली हैं, उसके साथ मैडम ने सारी डील भी कर ली है फाइनल। जब सलमान और कैटरीना डेट कर रहे थे तो उस दौरान दबंग ने कैट को एक से बढ़कर एक महंगे गिफ्ट दिए थे। हालांकि उन्होंने अपने प्यार का कभी इकरार नहीं किया, लेकिन सलमान के तोहफे बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन अब कैटरीना सलमान के तोहफों को पड़ोस के कार डीलर को बेचने का प्लान बना रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैटरीना ने सलमान का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, कैटरीना ने सलमान का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। अब चिकनी चमेली के लिए दबंग खान नहीं बल्कि रणबीर हैं सब कुछ। हालांकि कैटरीना की तरफ से फिलहाल सलमान की गिफ्ट की हुई कार बेचने की खबर को गलत बताया जा रहा है, लेकिन इतना तो सही है कि सलमान हो गए हैं कैट से दूर और अब शीला की लाइफ में है रणबीर कपूर।